इस वक्त अभी मौजूद हैं पीएमसीएच में और बताते चले कि आज पीएमसीएच में 20 बेड का नया कैंसर वार्ड का उद्घाटन किया गया है, जिसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा तैयार किया गया है। बताते चले कि पटना मेट्रो का कार्य चल रहा है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा चल रहा है, और पीएमसीएच में ये जो आप भवन देख रहे हैं ये कैंसर विभाग है, यहाँ पर मेट्रो का अंडरग्राउंड स्टेशन बनना है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन का डिमांड था कि अगर इस भवन को ध्वस्त किया जाता है मेट्रो के निर्माण के लिए, तो उसके पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। और पटना मेट्रो का भी यही लक्ष्य है कि अगर कोई निर्माण मेट्रो कार्य के लिए ध्वस्त किया जा रहा है, तो उसके पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था उसका कर दिया जाए। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसका आज उद्घाटन किया गया है। 20 बेड का जो कैंसर वार्ड है उसे तैयार किया गया है। आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 20 बेड का जो कैंसर वार्ड है इसका आज उद्घाटन किया गया है, और इसका उद्घाटन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर ने किया है। ये एक्चुअली है कि मेट्रो के द्वारा जो है सो पुराना जो कैंसर हमारा वार्ड है, केबिन है, उतारा जा रहा है, और उसी के एवज में एक तरह से कहा जाए कि मेट्रो डिपार्टमेंट के द्वारा, मेट्रो के द्वारा ये 20 बेड का जो है एयर कंडीशन वातानुकूलित जो है सो वार्ड बनाया गया है, और इसी में मरीज रहेगा। और कल से मैं इनको इजाज़त देता हूँ कि उधर अपना तोड़ने का काम जो भी है, क्योंकि मेट्रो का काम भी थोड़ा तेज़ी में होना है, माननीय मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट है, तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्दी हो ये अपना उधर काम शुरू कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कितने मरीज इसमें है? 20 बेड का, ये 20 बेड बनाया गया कि हमेशा के लिए रहेगा सर? नहीं, ये तो टेम्प्रोरी है। जब उधर 5500 बेड का जो बन रहा है वो बन जाएगा तो फिर तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल बन रहा है। तो रेडियोथेरेपी वगैरह यहाँ पर हो पाएगा? रेडियोथेरेपी तो चल ही रहा है, रेडियोथेरेपी तो ऑलरेडी है, यहाँ पे ऑलरेडी है। सर एक अलग से, सर S3N2 को लेकर के, सर पीएमसी का S3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर के पीएमसी वायरस वाला जो है, तो भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग काम कर रहे हैं, बस इतना ही कहें। यहाँ पर कोई इंतजाम, इंजाम अगर जरूरत होगा तो इंजाम रहता है। कोविड का हम लोग इंजाम उतना बढ़िया कर दिए, इसमें भी जो होगा तो हम लोग करेंगे, इंजाम करेंगे। अभी मतलब कोई ऐसा फर्दर नहीं, अभी यहाँ कोई रिपोर्टिंग नहीं है। हम लोग सतर्क मिला, दो मरीज नहीं यहाँ नहीं मिला है। सतर्क हम लोग सतर्क हैं, जो डॉक्टर हैं उनको हम लोग कह दिया है सतर्क रहने के लिए। अगर जरूरत होगा तो जाँच वगैरह माइक्रोबायोलॉजी वगैरह यहाँ है, होता ही है, होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग के यहाँ कोई इस तरह का अभी मामला नहीं है। तो बिल्कुल 20 बेड का ये कैंसर वार्ड तैयार हो गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये कैंसर वार्ड है, बाहर से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि 20 बेड का ये कैंसर वार्ड है, और मेट्रो का कार्य चल रहा है। अधीक्षक ने साफ कहा कि अब हमें 20 बेड का कैंसर वार्ड मिल गया है। ऐसे में अब वो दिल्ली मेट्रो को ये आदेश दे देते हैं कि अब अपने निर्माण के लिए उन्हें जो भवनें ध्वस्त करनी है उसके लिए वो कार्य शुरू कर दें। बताते चले कि ये जो भवन है कैंसर विभाग पुराना, ये अब ध्वस्त होगा, और ये जो अभी 20 बेड का कैंसर वार्ड बना है ये भी अभी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बना है। अस्पताल में बताते चले कि 5500 बेड का एक बृहद अस्पताल बन रहा है, पीएमसीएच रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, और उसके बाद फिर से जब तैयार हो जाएगा 2 से 4 वर्षों में पीएमसीएच का नया भवन, तो उसके बाद फिर से कैंसर विभाग नई जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल अब जो कैंसर के मरीज आएंगे वो यहीं इस नए स्थल पर आकर के अपना इलाज कराएंगे।